No mercy. ग्लिस एक ऐसी चीज है, अगर आपने ज्यादा ग्लिस के थ्रू किल कर दिया तो आपका टीममेट भी आपको हैकर समझ सकता है, ठीक है। तो मस्ती कर सकते हो, आपका अगर ग्लिस को आता ग्लिस आता है तो आपके इजीली आप रैंक पुश भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बता देंगे कि ग्लिस का इजी टिप्स क्या है, वो भी आप वीडियो में देखेंगे। जैसे मैं पहले आपको बताया था कि कैसे मारते हैं ग्लिस करके, देखो कैसे मार रहा था मैं, तो कोई नहीं मुझे मार पाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि सबसे पहला ट्रिक हमारा जो ग्लिस वार करते हो TDM में, ठीक है। TDM में अगर आप देखेंगे तो ये जो दीवार है ना, इसका जो कार्टून रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, इसके ऊपर जंप एंड पंच अगर आप एक साथ मारेंगे, इसको क्लोज आके एकदम चिपक जाना है। उसके बाद अगर जंप एंड पंच एक साथ करेंगे तो आप एकदम नीचे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई बाहर से आपको देख नहीं पाएगा, मार भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप अंदर से थ्रो मतलब थ्रो आइटम वगैरह जो है वो भी फेंक सकते हो और बंदे को आसानी से मार सकते हो। तो देखो कैसे हम मार रहे हैं, कैसे अंदर घुस रहे हैं, देखो एकदम चिपक जाना है बॉक्स के पास जाके। उसके चिपक जाने के बाद जंप एंड पास अगर आपको एक साथ मारना है, ठीक है। अगर जंप एंड पास एक साथ मार लिया तो नहीं हुआ, अगर तो नहीं होता है तब फिर से पीछे आना है एंड दोबारा ट्राई करना है। नेक्स्ट ग्लिच जो है हमारा वो वर्क करता है पबजी लाइट में, वो स्टेडियम के पास जो अपार्टमेंट है, ये जो अपार्टमेंट है इधर वर्क करता है। तो इधर जो अपार्टमेंट है सामने वाला जो देख रहा है पहाड़ की तरफ जो लास्ट में है, इस अपार्टमेंट के जो एकदम बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा सकते हो एंड वहीं से बाहर वाले बंदे को भी मार सकते हो एंड थ्रो आइटम वगैरह भी फेंक सकते हो। और आपके काफ़ी बार लास्ट जोन में तो इधर सर्कल लास्ट सर्कल बनता है, तो अगर आप अंडरग्राउंड हो तो आपके लिए पॉजिटिव भी बात है, फ़ायदा है। तो ये जो टेबल वगैरह टेबल देख रहे हैं ना, इसके ऊपर इसके साथ चिपक जाना है, जंप एंड पास एक साथ करना है, ठीक है। ये देखिए अगर एक बार नहीं हुआ था तो पीछे आना है, जैसे देखो मैं एक बार कोशिश थोड़ा सा हुआ था, फिर से मैं चिपक जाऊंगा एंड जंप एंड पंच एक साथ मारूंगा। अगर नहीं होता है तो आपको पीछे आना है, फिर से जंप एंड पंच एक साथ मारना है। ये देखिए एक बार हो गया, इस बार हम प्रोन हो जाएंगे। जैसे प्रोन होंगे तो पूरा आपका अंडरग्राउंड आ जाएंगे, ठीक है। इधर से बाहर भी मार सकते हैं हम, देखिए वो और बाहर का जो दरवाजा है उधर गोली लग रहा है, बाहर वाली जो रूम है उधर लग रहा है, ठीक। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो टेबल है उसके ऊपर उसके साथ जाना है एंड जंप एंड पंच करके चिपकने के बाद जंप एंड पंच एक साथ फेस करना है। जैसे आपका करेक्टर जो आधा अंडरग्राउंड आ जाएंगे तो आपको उसको अंदर ले सकते हैं। इधर मेरे टीम में टाइम है, बाहर अंदर से भी उसकी गाड़ी को भी टायर पंचर कर सकता हूँ, मुझे टायर पंचर किया और टीम के हैरान हो गया कि कहाँ से मार रहा है, ऊपर ढूंढ रहे मेरे को, ठीक है। इधर आएंगे देखिए वापस मेरे को कहा मैं कहाँ हूँ उसको पता नहीं चल रहा है, जिस पास नंबर दिख रहा होगा उसको, इससे बाहर भी मार सकता हो, गाड़ी भी फोड़ सकते हो, एनिमीज को भी मार सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए मेरा बंदा है, वो अभी क्या कर रहा है, कुछ लूट रहा है शायद उस तरफ। देखिए पूरा मैं अंदर आ चुका हूँ, इसे अगर लास्ट दिन बनता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। मादर चोद है क्या भाई, मादर चोद है क्या बिलोड़े?